34 मुगल शासन व्यवस्था। मंत्री परिषद को वजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान मीर बख्शी, सदर उस सदर एवं मीर समन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सदर न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि मददे माश का निरीक्षण सदर करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समान कहलाता था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य। पद सूबेदार, कार्य प्रांतों में शांति स्थापित करना तथा प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान। दीवान, कार्य प्रांतीय राजस्व का प्रधान, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह। बख्शी, कार्य प्रांतीय सैन्य प्रधान। फौजदार, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। आमिल या अमलगुजार, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। कोतवाल, नगर प्रधान। शिकदार, परगने का प्रमुख अधिकारी। आमिल, ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। प्रश्न 56। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगाए डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतासिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला ग्राम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमिकर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि तीन वर्गों में विभाजित थी। एक, खालसा भूमि, प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। दो, जागीर भूमि, तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। तीन, सयूरगल या मददे माश, अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की पर नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। एक, पोलच, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी, वर्ष में 2 बार फसल। दो, परती, इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। तीन, चाचर, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चार, बंजर, ये खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक को तख्सीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। एक, खुदकाश्त, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वो निवासी थे। दो, पाही काश्त, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। तीन, मुजारियन, खुदकाश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का काम अंकित करवाया। सबसे बड़ा सिक्का शनसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी, 1 पैदल सेना, 2 घुड़सवार सेना, 3 तोपखाना और 4 हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। पृष्ठ 57। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीरे आजम कहलाते थे।
जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। जहांगीर ने सवार पद में दो अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम ये पद महाबत खां को दिया गया। मुगलकालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं। गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। ये व्यवस्था बंगाल में थी। जब्ती, इसमें बाग बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नकद लिया जाता था। 35. मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग यानी जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु कोणदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी एवं 1679 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्य अभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वो 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र के प्रमुख संत। 1. ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर 1271 से 1296। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भवार्थ दीपिका नामक बृहत टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। 2. नामदेव 1270 से 1350। इनके आराध्य देव पांडरपुर के बिठोबा या बिठल विष्णु के रूप थे। बिठोबा या बिठल की उपासना को बरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। 3. एकनाथ 1533 से 1599। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। 4. तुकाराम 1598 से 1650। इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी, जिन्हें अंभग कहा जाता है। ये अंभग भक्ति परक काव्य के ज्योति पुंज हैं। 5. रामदास 1608 से 1681। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि। दशबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। पृष्ठ 58। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। अष्टप्रधान में निम्न पद थे। 1. पेशवा प्रधानमंत्री, राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख। 2. सरी ए नौबत सेनापति सैन्य प्रधान। 3. अमात्य राजस्व मंत्री आय व्यय का लेखा जोखा। 4. वाकिया नवीस सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष। 5. चिटनिस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। 6. सुमंत विदेश मंत्री। 7. पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण। 8. न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। 1. पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक। 2. सिहलदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक। 3. पैदल सेना।
शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। चौथ एवं सरदेश मुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया। चौथ किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा गया है। सरदेश मुखी इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। शिवाजी ने किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी हवलदार, किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख सरैनोबत, किले की सेना का नेतृत्व सवनिस, किले की अर्थव्यवस्था पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख। शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी का उत्तराधिकारी शंभाजी था। शंभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मरखरब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए शंभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। शंभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजाराम को नए छत्रपति के रूप में राज्य अभिषेक किया गया। राजाराम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजाराम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 1700 ईस्वी में मारा गया। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद शंभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में थे, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्य अभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंशी शिवगांव की संधि हुई। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां और वर्ष। सूरत की संधि वर्ष 1775, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालाबाई की संधि 1782, बसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, राजापुर घाट की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817, मंडसौर की संधि 1818। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मुहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया।
पेशवा नारायण राव 1772 से 73 की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा की गई। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 बाई थे सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य थे महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। अंतिम पेशवा रघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी तक चला। इसके बाद 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ। इसमें भोसले नागपुर ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध 1816 से 1818 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। पृष्ठ 60। आधुनिक भारत 36। उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाहवे खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहादार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वैश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहादार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फरुख सियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु को हुसैन अली खां की हत्या कर दी। ईरान फारस के सम्राट नादर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्धों में मराठों की हार हुई थी। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक 1 अवध शहादत खां, 2 हैदराबाद चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क आसफ जहां, 3 रुहेलखंड वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, 4 बंगाल मुर्शिद कुली खां, 5 कर्नाटक सादुतुल्ला खां, 6 भरतपुर चूरामन एवं बदन सिंह। नोट: मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। सआदत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। उत्तरकालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी, जहादार शाह 1712 से 1713 ईस्वी, फरुख सियर 1713 से 1719 ईस्वी, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी, अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 ईस्वी। सैतीस, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन।
17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वाइसराय बना। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कोचीन में खोली। पृष्ठ 61। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था कार्नेलिस डहस्तमान। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझीदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुसलीपट्टम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। कंपनी और स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी। 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बंबई प्रांत हुआ था, जिसे उन्होंने 10 पौंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीघाट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहां पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। कालांतर में यही कलकत्ता कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फेंको कैरों के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडेचेरी की स्थापना की। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में एल आर शापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पौंडीचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवाश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। पृष्ठ 62।